देश में कोरोना का खतरा, सरकार बोली अभी दूसरी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 173 नए केस। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच न्यू एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। जब तक सभी नागरिक को प्रिकॉशंस डोज नहीं दी जाती, तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल कोरोना के 1698 एक्टिव केस हैं। उधर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड-19 परीक्षण और स्क्रीनिंग की सुविधा की समीक्षा की। PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोरोना की स्थिति तैयारियों की समीक्षा की। शनिवार को गुजरात में पहला XBB.1.5 वेरिएंट का केस मिला। यह ओमिक्रोन का म्यूटेशन है। देश में बढ़ते कोरोना के बीच तेलंगाना में 900 डॉक्टर और 5000 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। UP के CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में स्थिति सामान्य है। CM ने अधिकारियों को नए मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को राज्य में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 51 है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।